सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सुल्तानगंज में ट्रेन से उतरते हुए सारे बम लोग, देखो कितना भीड़ जो है यहाँ पे आ रहा है एवरीवन। सो आप लोग देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ये हमारे साथ हमारा फ्रेंड भोला। सो हम लोग आज निकल रहे हैं बाबा नगरी देवघर के लिए और अभी हम लोग गया जंक्शन पे हैं। सो यहाँ से निकल रहे हैं और आपको ये पूरा सीरीज मिलता रहेगा। तो चलो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बोल बा शुभम भाई, हम लोगों को छोड़ने आए थे यहाँ पे, मिलते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों का ट्रेन वहाँ लगा गया हावड़ा, और गया से हम लोग इसी ट्रेन से सुल्तानगंज के लिए निकलेंगे। सुल्तानगंज जाते हैं डायरेक्ट। सो देखते हैं भाई स्पेस मिलता है या नहीं। हम लोग की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है भाई, हम लोग का ट्रेन यहाँ से निकल चुका है। हम लोग अभी इसी कोच में बैठे हुए हैं, सीट नंबर 61-62। चलो फिर मिलते हैं जर्नी में। ये देखो भाई, ट्रेन में काफी भीड़ आ गई है। एसी कोच का बोला है। हम लोग सुल्तानगंज जंक्शन पहुंच गए हैं, सॉरी सुल्तानगंज स्टेशन पहुंच गए हैं, और यहां से हम लोग जल अर्पण करने के लिए, जल उठाने के लिए यहां से निकले। चलो भाई चलते हैं। आप देख सकते हो यहां पे सुल्तानगंज में ट्रेन से उतरते हुए सारे बम लोग, देखो कितना भीड़ जो है यहां पे आ रहा है। ये देखिए हमारे भोला बम जी, बोल बम। ये देखो कितना ज्यादा क्राउड है यार, शिव जी की महिमा का अंदाजा आप लोग यहाँ से लगा सकते हो भाई। अभी हम लोग सुल्तानगंज स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और क्राउड का तो अंदाजा भाई आप लोग खुद लगा सकते हो कि क्या क्राउड है यार। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। सो भाई बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, तो चलते हैं। ये देखो आप यहाँ पे सुल्तानगंज का मार्केट, क्या भीड़ है भाई। ये आप देख सकते हो दोस्तों सुल्तानगंज का मार्केट, सारे लोग यहाँ पे आके कांवर और जो भी चीज़ें होती हैं वो उनकी खरीदारी कर रहे हैं। देखिए बच्चियाँ भी जो है यहाँ पे बेचने का काम कर रही हैं। ये देखो भाई यहाँ सुल्तानगंज में एक मंदिर, ये देखो भाई सुल्तानगंज में बारिश भी शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखो आप मार्केट, सारे जगह पर बस कांवरियाँ ही कांवरियाँ आपको दिखेंगे पूरे सुल्तानगंज में। ये देखो ऊपर भी छपड़ी वगैरह लगा के जो है लोगों को रखने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की गई है, और हमारे सहपाठी लोग वहाँ बैग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ये देखो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है भाई, और ये आगे ये रास्ता जो है घाट की तरफ जाता है जहाँ से अभी हम लोग जल उठाएंगे। तो भाई अभी हम लोग बैग जो है वो परचेज कर रहे हैं जल ले जाने के लिए, डब्बा। हाँ भाई देखो इस तरीके का डब्बा होता है जिसमें जल को लेकर हवाधाम जाया जाता है, तो ये बैग हम लोग यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। ये भाई दुकानदार साहब देखिए बॉक्स अभी चेक हो रहा है कि लीकेज है या नहीं, है ना बंदे। तो फिर चलो आगे मिलते हैं हम लोग घाट पे। बोल बा, ये देखिए इसी बैग का हम बात कर रहे थे, और भैया जी डब्बा को चेक कर रहे हैं लीकेज है या नहीं। कितने का था भैया वो एक? 15 रुपया। हम लोग का परचेजिंग हो गया, हम लोग ने भी ये पिट्ठू जिसमें जल लेंगे बैग पे रखने के लिए, और एक कैप ले लिया हम लोग। सो कैप इसलिए लिया है क्योंकि अगर रास्ता में बारिश हुई तो बारिश जो है वो क्या बोलते हैं फेस पे आने से बचेगा थोड़ा। सो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और भाई एक चीज़ और बता दे कि हम लोग गया से सुल्तानगंज, तो आपको पता ही है पूरा जर्नी मैंने दिखा दिया, गया हावड़ा ट्रेन पकड़ के आया, और अब का आपका प्लान ये है कि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घाट पे, और घाट पे जाके जल उठाएंगे, नहाएंगे, जल लेंगे। हाँ वहाँ पे नहाएंगे सबसे पहले, और वहाँ पे संकल्प होता है जल का, तो वो संकल्प भी करेंगे साथ में ही, और उसके बाद यहाँ से जल लेके भाई चल चलेंगे बाबा के गाड़ी। तो चलो फिर घाट पे मिलते हैं। हाँ भाई ये भी एक नियम है कि यहाँ पे हर एक जिला के अलग अलग पंडा है, और वही जो है संकल्प करवा सकते हैं पुरोहित। हाँ हम लोग के पुरोहित कौन है? मास्टर बाबा। देखो आप उधर पूजा हो रहा है वहाँ पे, मास्टर जी जो है यही है मास्टर पंडा, लिखा भी है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। यहाँ देखो ये संकल्प हो रहा है।
ये संकल्प बाबा करवा रहे हैं यहाँ पे। और ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे घाट के बहुत करीब है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है आप देख सकते हो भाई। गंगा जी का मिट्टी आपको पता ही है, चिकनी मिट्टी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन है। ये देखो आप घाट आगे, ये फोटोग्राफर गंगा घाट सुल्तानगंज, जहाँ से हम लोग जो है अपना जल उठाएंगे। ये देखो गंगा मैया भाई, गंगा जी का कुछ अलग ही नज़ारा है यार यहाँ पर से। और मौसम भी आज बहुत ही तगड़ा, ये देखो यहाँ से कांवरिया हम लोग आ रहे हैं संकल्प करवाने के लिए। प्रेम भाई स्नान हो गया, प्रेम भाई गहराई ज़्यादा है, बोलिए एक बार बोल बम। तो भाई अभी हम लोग स्नान कर लिए गंगा जी में और जल भी ले लिया है, आप पीछे पिट्ठू पे देख सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं पंडा जी के पास, जहाँ पे हम लोग के जल का संकल्प होगा और वहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को शुरुआत करेंगे। जल ले लिए बमजे, आप ले लिए संकल्प बमजे? मैं भी जल ले लिया बमजे। चलिए तो अब संकल्प चलाने चलते हैं पंडा के पास। पंडा जी से विदा ले रहे हैं और यहाँ पर से निकल रहे हैं अभी। ये देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है और कंवरियों का भीड़ जत्था, ये आप देख सकते हो। गंगा जी गया के पंडा जी के पास, मास्टर पंडा जी के पास आ गए और ये हम लोग का ग्रुप यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के जल का संकल्प होगा, राइट? राइट। तो भाई यहाँ पे हम लोग का संकल्प होगा और हम लोग का जल यहाँ पे खुल गया है। और साथी में हाल में हाथ में बेलपत्र और कसैली, कसैली चंदन रोड़ी अक्षत ले लिए हैं। जो स्टार्ट होगा संकल्प स्टार्ट होगा, हाँ आइए लीजिए। और ये हैं हमारे रोहित बाबा जी, आपका नाम क्या है? मास्टर पंडा। मास्टर पंडा, तो भाई गया से जो भी आए मास्टर पंडा जी से मिले, है ना बाबा? जी जी। तो हम लोग संकल्प करते हैं फिर बात करते हैं। पूरा कीजिए, बोलिए प्रेम जय गंगा महारानी की जय। बोलिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियाउदम त्रिजन्म पाप। तो भाई हम लोगों का संकल्प अभी हो गया और संकल्प कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आप ये देखो, ये भोला जी जो है बेलपत्र और अक्षत फूल वगैरह जो है जल के अंदर डाल रहे हैं और वो बम जी अगरबत्ती जला रहे हैं पूजा करने के लिए। वो बम जी कुछ नहीं बोलते हैं क्या? वो बम जी यूं रहते हैं मोहब्बत में, कुछ तो बोल दीजिए। साथ चलने वाले हैं हम लोग, लंबा सफ़र है 108 किलोमीटर का, 108 है कि 120 है? तो भाई यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं। बोल बम, चलो भाई परिक्रमा करना। बोल बम, 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 जर्नी बिगिंस स्टार्ट। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जल उठा लिए हम लोग, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, राइट ब्रो? राइट। बोल बम, 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 क्या बोलो? बोल बम, क्या बोलोगे? बोल बम, क्या लिखोगे? बोल बम, क्या पढ़ोगे? बोल बम। सो भाई यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, सुल्तानगंज से बाहर निकल रहे हैं अब रोड के पास में, जहाँ से कांवरियाँ पथ के लिए जो रास्ता है वो शुरू होता है। और यहाँ से हम लोगों को रास्ता जो है वो कच्ची रास्ता मिलेगा, एक्चुअली वो कावरियों कोल के लिए ही बनाया ही जाता है। एक नंबर सर, खाली में। यहाँ से हम लोग हाईवे पे चढ़ेंगे और हाईवे के उस पार से जो है कच्ची रास्ता शुरुआत हो जाता है। सो यहाँ से देवघर की दूरी 110 किलोमीटर, यानी कि हम लोग को अभी पद यात्रा जो है 110 किलोमीटर का करना है और उसके बाद वहाँ से बासुकीनाथ धाम जो कि 155 किलोमीटर है यहाँ से। और यही रूट से आगे चले जाओगे तो आप बोधगया और जमुई भी पहुँच जाओगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कांवरिया पथ जो है हाईवे से अलग हो जाती है। तो ये देखो आप यहाँ से आपका ये व्हीकल्स के लिए हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए। और यहाँ से कांवरिया पथ जो है, देखो लिखा भी है कच्ची कांवरिया पथ,
प्रारंभ। आप ध्यान से देखो वहाँ पे, और ये है यहाँ का डिस्टेंस लिस्ट। सो चलो भाई, भाई हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आगे का यात्रा आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। सो इस पूरे सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बोल बम बोल बम।